हेलो फ्रेंड्स, अल्पना मौसमी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज की रेसिपी है चिकन की, जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नाम बता देती हूँ। इसका नाम है चिकन देहाती रेसिपी। आपको इसका नाम कुछ अटपटा सा लगेगा, पर आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी है ये। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा के जी के करीब चिकन, जिसे मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। तो चलिए इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो डालेंगे 3 चम्मच के करीब दही, तो आप दही हमेशा फ्रेश से लें, जो खट्टा ना हो। 1 चम्मच अदरक लहसुन, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, या लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डालें। तो चलिए सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए, अच्छे से मिल जाए। तो चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है दही में, और इसे हम कहीं भी ठंडे जगह पे रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए चिकन मैरिनेट हो गया है। तो अब गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन, और इसमें डालेंगे 3 चम्मच के करीब सरसों का तेल। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो ले सकते हैं, और तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिए हैं खड़े गरम मसाला, जिसमें है लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री, काली मिर्च, 1/2 चम्मच के करीब जीरा, 2 तेज़पत्ता। सभी को हम सौते कर लेंगे, ताकि इसका जो ऑयल में फ्लेवर रिच हो जाए। तो इसमें डालते हैं कटे हुए प्याज। तो मैंने यहाँ पे 3 प्याज को काट लिया है, इस तरह से स्लाइस कर लिया है, और प्याज को हमें अच्छे से भुनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और प्याज हल्का सिंक ना हो जाए। तो चलिए इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। आप चाहे तो नमक मैरिनेशन में भी डाल सकते हैं, तो मैंने मैरिनेशन में नमक नहीं डाला है। तो नमक डालने से आपका प्याज जो है वो जल्दी भुन जाता है, तो इसलिए नमक बाद में ही डालें। और डालेंगे हम अदरक लहसुन, तो मैंने इसे कूट लिया है। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच ही डाले हैं, क्योंकि मैंने मैरिनेशन में भी डाले हैं। डाल देंगे 2 टमाटर, इसे मैंने इस तरह से काट लिया है, और टमाटर को अच्छे से भुनने का वेट ना करें। तो चलिए इसमें डाल देते हैं मैरिनेट किया हुआ चिकन, क्योंकि चिकन और टमाटर दोनों को हमें साथ साथ पकाने हैं, इससे हमारा जो ग्रेवी है सिल्की और स्मूथ हो जाएगा। और इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, तो फ्लेम को आप मीडियम कर दें, और इसे आप मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। और जैसे जैसे चिकन फ्राई होगा, तो दही और चिकन दोनों अपना पानी छोड़ेगा। तो चलिए इसे हम ढक देते हैं, और 4 से 5 मिनट के इसे हम कुक कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बीच में 1-2 बार चला भी सकते हैं। तो ये देखिए दही और चिकन दोनों ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो इसे हमें इसी तरह फ्राई करना है चलाते हुए। तो आप इसे हर 2-3 मिनट पे ढक दें, और फिर इसे चलाते रहें। तो मैंने यहाँ पर डाला है जावित्री और जायफल का पाउडर 1/2 चम्मच। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए अच्छे से भुन गया है, और कुछ इस कलर का आ गया है। तो यहाँ पे मैंने डाला है मीट मसाला 1 चम्मच। आप चाहे तो चिकन मसाला या फिर गरम मसाला भी ले सकते हैं। और इसे हमें और अच्छे से भुनना है 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर जो है और चेंज हो जाए और चिकन हमारा लगभग कुक हो जाए। तो ये देखिए जो ऑयल है वो सरफेस पे फ्लोट करने लगा है। तो अब इसे हमें बिना ढके हुए ही पकाने हैं। इसमें डाल देंगे हम 2 हरी मिर्च। आप चाहे तो हरी मिर्च को काट कर भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है चिकन से। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे, मतलब हमें मीडियम टू हाई रखने हैं। तो ये देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी का आ गया है, मतलब हमारा चिकन जो है अच्छे से भुन गया है। तभी हम पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब पानी डाला है। आप ग्रेवी अपने अनुसार ले सकते हैं, रख सकते हैं। अगर आप इसे रोटी के साथ खाना पसंद कर रहे हो तो कम डालें पानी, और अगर आप चावल के साथ खा रहे हो तो ज़्यादा डालें। और इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है, जब तक कि ग्रेवी जो है वो थिक ना हो जाए और चिकन भी अच्छे से कुक ना हो जाए। तो ये देखिए ग्रेवी लगभग थिक हो गया है, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा उतना ही ये थिक होते जाएगा।
तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और जब यह हल्का ठंडा हो जाए तभी इसे हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए चिकन देहाती रेसिपी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे सर्व कर सकते हैं चावल, पराठा, रोटी या नान के साथ। होप सो आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।